अपनी लाइफ में अच्छा करना, प्रोग्रेस करना, ये सबका लक्ष्य है। जब हम सुनते हैं कि प्यार के स्टडी पॉइंट बहुत ही अच्छा कर रहा है, ये सब आप लोगों के कारण। मुझे स्टडी पॉइंट एक फैमिली की तरह लगता है। और कभी व्याकुनी बगता हूँ, जो भूल दो तो चोरी ले जाऊं। जस्ट फील योर ब्रेथ, कुछ नहीं करना, बस अपनी सांसों को फील करना है और अपनी सांसों के साथ रहना है। पांव क्रॉस, बस इसी तरह बी विद योर ब्रेथ, जस्ट हैव अ फेथ। अगर आप रेगुलर 10 मिनट ऐसे रोज करते हैं, दिस कैन टर्न अराउंड योर पर्सनैलिटी, दिस कैन रियली ट्रांसफॉर्म योर पर्सनैलिटी। जस्ट बी विद योर ब्रेथ, आती हुई सांस और जाती हुई सांस, इनके साथ रहना। कुछ नहीं, कोई भी इंसान इसको कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है। बस हमें सांसों के साथ रहना है और इसके बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स हैं। भगवान गौतम बुद्ध के बारे में हम सभी ने पढ़ा है, हिस्ट्री में पढ़ा है, उन्होंने इसी विधि से निर्वाण, जिसे मोक्ष भी बोलते हैं, सालवेशन प्राप्त किया है। अपनी लाइफ में अच्छा करना, प्रोग्रेस करना, इस सबका लक्ष्य है। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप सबने सुना है, वो जेन्युइन रेगुलर मेडिटेटर थे, बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत ही अच्छे रीडर। और विश्वास कीजिए, ध्यान नहीं, ध्यान एक अहम फैक्टर था उनकी उस पर्सनालिटी के लिए। इसी तरह आपने स्टीव जॉब्स के बारे में सुना होगा, ही वॉज ऑल्सो अ जेन्युइन मेडिटेटर। और हम सब जानते हैं कि उनकी क्रिएटिविटी कितनी यूनिक रही है और कितने अच्छे प्रोडक्ट्स उन्होंने पूरी दुनिया को दिए। आइंस्टीन केवल एक साइंटिस्ट ही नहीं, ही वॉज अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। E=mc², जिन्होंने ये फॉर्मूला दिया, कहीं ना कहीं आध्यात्मिक से जुड़ाव उनका था, उसने इस रिजल्ट में पहुंचने में उनकी हेल्प की। मेरा बस केवल ये मोटो है कि आप सब लोग भी ध्यान से जुड़े। यू ऑल आर फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री, आप लोग स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, जो कि अपकमिंग फ्यूचर है हमारे देश का, इस दुनिया का।
इस ध्यान ज्ञान का लाभ आप सभी लें, दैट इज अवर मोटो। बस लास्ट 2 मिनट और देखिए कितना आसान है ये। बस हमें बैठना है और आती हुई सांस और जाती हुई सांस को फील करना है। विचार आएंगे माइंड में, कोई बात नहीं, उनसे हटकर बस सांसों पे आना, बस इतना ही। जितने भी बड़े मास्टर्स हुए हैं सभी ने ध्यान किया है अपनी अपनी विधि से, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, महावीर जैन हो, ईसा मसीह हो, मोहम्मद पैगंबर हो, ये रमण महर्षि हो, सभी लोग। लास्ट 1 मिनट सभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स लास्ट 10 सेकेंड्स 9 8 6 5 4 कोई आंखें नहीं खोलेगा जब तक मैं नहीं बोलूं, 3 2 1 दोनों हाथों को आंखों पे लगाएं और हाथों के अंदर ही धीरे धीरे आंखों को खोलें। ओके यस, वेरी गुड जॉब भाई, आप सब लोग तालियां बजाएंगे एक बार अपने लिए। ओके, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस 5 मिनट आपसे बात करूंगा। बहुत अच्छा लगता है जब हम सुनते हैं कि पीआर की स्टडी पॉइंट बहुत ही अच्छा कर रहा है। आई रियली फील प्राउड जब यहाँ की रिनाउंड पर्सनालिटीज आके बोलती हैं कि आपका जो सेंटर है वो इस रीजन का टॉप मोस्ट सेंटर में से है। वो खुद हमारे रिजल्ट्स की बात करते हैं। अगर हम अपनी रिजल्ट्स की बात करें, उससे पहले बहुतों से मेरी ऐसे अभी आजकल ही मुलाकात हुई है, इवन कुछ इंक्वायरीज भी ऐसी आती हैं जो एक्सेप्ट करती हैं, यस सर वी डू नॉट हैव अ डाउट इन योर एबिलिटी, फुली फेथ, पूरा विश्वास। कुछ पर्सनैलिटीज से ऐसा मिलना भी हुआ इस बार जो ये बात बोलती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। हमने हर सेक्टर में रिजल्ट दिया है और ऋषिकेश एक छोटा टाउन है, हमारे पास बच्चे हजारों नंबर पे नहीं आ रहा है, बट जितने भी नंबर पे बच्चे आ रहे हैं उसमें हमने जो बच्चे करने वाले हैं, जो कॉम्पिटेंट हैं और जो रियली आगे कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, उन्होंने करके दिखाया है। चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, हर एग्जाम में हमारा रिजल्ट रहा है, चाहे वो SBI PO हो, IPS PO हो, RRB हो, उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक हो, नैनीताल बैंक हो, इन सब में हमने ऑफिसर से लेकर ऑफिस असिस्टेंट्स निकाले। इसी तरह SSC में, चाहे वो आपका CRPF में हो, CSF में हो, CAG में हो, या और भी जो भी एग्जाम्स हैं, उत्तराखंड एग्जाम्स की बात करें तो लगभग हर एग्जाम में, चाहे ग्रुप सी की बात करें या अभी फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आया, इसमें भी हमारे अच्छे रिजल्ट रहे, या लोअर टीचर्स की बात करें, अभी हाईकोर्ट में भी जो हमारे रिजल्ट आए हैं, 2 बच्चों ने मेन्स एग्जाम क्लियर किया है, तो हर एग्जाम में रिजल्ट अच्छा रहा है। लगभग हर डिपार्टमेंट में आप हमारे बच्चे, चाहे हम
पुलिस डिपार्टमेंट लें, बैंकिंग का लें, ग्रुप सी वाले जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उत्तराखंड में, या पुलिस कांस्टेबल हो, आबकारी हो, पुलिस ऑफिसर्स हो, हर जगह हमारे रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट केवल मेरे नहीं है या मेरे कारण नहीं आए भाई, मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता हूं, ये सब आप लोगों के कारण आए हैं। जो आप लोग इतनी अच्छी टीम होकर काम करते हैं और बच्चों के साथ डिवोटेड होकर वर्क करते हैं, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ यू। तो जो मैं अभी ये बात कर रहा था कि भाई हमारे इतने रिजल्ट्स हैं या बहुत सारी पर्सनैलिटीज ऐसी मिली हैं जो खुद ब खुद ही एक्सेप्ट करती हैं दैट यस सर यू आर डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब, गुड जॉब यू एंड योर टीम, तो मैं ये सारा क्रेडिट आप लोगों को देना चाहता हूं। सभी आप लोग जो हो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। अभी मैं आपसे ब्रीफली बात करूं, संतोष सर है अभी जो कि हमसे हमारे साथ पिछले 9-10 साल से जुड़े हुए हैं, यस एम आई राइट, और अभी एयरफोर्स में है और अभी भी बच्चों को लगातार गाइड कर रहे हैं। लॉकडाउन में लगातार उन्होंने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेके उनको गाइड किया, और साथ में जो आप लोग और लोग भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह इस तरह काम करते रहते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा काम है। जब भी हमारे बच्चों को जो बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आकाश सर, अनिल सर हमेशा मौजूद रहे हैं गाइड करने के लिए, और इसके साथ साथ हमारे कुछ जो सीनियर स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने एज अ असिस्टेंट फैकल्टीज का रोल प्ले किया है, प्रशांत रहा है यहाँ पे, सौरभ रहा है, बहुत ही बढ़िया काम किया है। तो फाइनली मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप लोगों का जो जितना भी रोल रहा है, जो अभी जुड़े हुए हैं या जो पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे एज अ मतलब रनिंग फैकल्टीज में, और आप अभी भी जिस तरह एक कॉल करने पे आ जाते हो तो इट्स रियली फील गुड, कुछ ना कुछ कनेक्शन है, ऐसे ही नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि हम लोगों का ये साथ और आगे चलता रहे और हम लोग इसके साथ साथ कुछ और ऐसी चीजें भी करें जो अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए अच्छी हो और साथ में हम औरों को भी हेल्प कर पाए। फाइनली अगेन विश यू वेरी हैप्पी दिवाली, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस दिवाली में जितने भी दिए आप जलाए, जिस तरह आप दिए जलाए, वो दिए आपकी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस लेके आए, आपकी सोल को अनलाइटन करें और आपकी प्रोग्रेस करें। धन्यवाद। आप सभी को वेरी हैप्पी दिवाली। और मतलब मुझे स्टडी पॉइंट एक फैमिली की तरह लगता है, और फैमिली से भले ही थोड़ी सी कई मतलब जो परिवार के सदस्य होते हैं अनबन हो सके, पर हम उससे अलग होने का नहीं सोच सकते। तो मैं हमेशा स्टडी पॉइंट के लिए ऐसा ही फील करता हूँ, आप सबके लिए ऐसा ही फील करता हूँ। तो मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, तो बस आप सबको हैप्पी दिवाली। कभी व्याकुनी बगिता ओं जू भूल दो ते चोरी ली जाऊं, तेरी लगन मयन रटन मा तेरी धुन पुछियन च मन मा डोण भी मचन मुंड गगन मा गाँव मा घल जो सोर च वन मा ते तपेक रोल एक जन्म मा ओल ते तल्याण भल व्याखन हा। ओ कभी व्याकुनी बगिता ओं जू भूल दो ते चोरी ली जाऊं। बस इतनी।